नमस्कार दोस्तों, गोमती नगर में हयात होटल के ठीक सामने डीएलएफ माईपैड में पर्पल फूड का आज से शुभारंभ हो गया है। दोस्तों यूं तो देश में कई सारी इनकी ब्रांचेज हैं, लेकिन खासियत यह है कि हर ब्रांच का टेस्ट एक जैसा है, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो बेंगलुरु हो, एक जैसा टेस्ट मिलता है। और सबसे बड़ी जो यूएसपी है इनकी कि जैसा मूड वैसा फूड। जी हाँ, चाहे सुबह नाश्ते में आपको पूरी सब्जी खानी हो, कभी कुलचे खाने हो, नॉनवेज खाना हो, मतलब खाने की तो वैरायटी का जवाब ही नहीं है। मल्टी कुजीन ये रेस्टोरेंट अब लखनऊ के चाहने वालों को, खास तौर से खाने के चाहने वालों को मिल गया। आज इसके उद्घाटन पर जाने माने अभिनेता अनिल रस्तोगी मौजूद थे, उनके साथ फैशन डिजाइनर असमा हुसैन, तुलिका बनर्जी और लखनऊ के जाने माने फिल्म मेकर, एड मेकर दिवाकर भट्टाचार्य, आरजे ताशी, ये सब लोग मौजूद थे आज डीएलएफ माईपैड में और पर्पल फूड शुरू हो गया। तो अब हम राजेश जी से बात करेंगे, दिवाकर जी से बात करेंगे और जानेंगे इस नए रेस्टोरेंट के बारे में। सर, राजधानी में नवाबों के लिए एक नया ठिकाना, खाने पीने का एक नया अड्डा पर्पल फूड आपने आज शुरू किया। जी सर, किस तरीके का क्यूज़ीन है, किस तरीके की क्या है इसकी? देखिए, मैं आपको पर्पल फूड के बारे में बताऊँ। मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं कार्निवल फूड का सीईओ हूं। कार्निवल फूड जो है कार्निवल ग्रुप का फूड वेंचर है, जिसके अंदर ये ब्रांड है हमारा पर्पल फूड। नाउ इसमें क्या है कि आपने मेरे से सवाल पूछा कि इसकी क्विजीन की क्या खासियत है। एक्चुअली इसकी खासियत ये है कि आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग ब्रांड से एसोसिएटेड क्विजीन मिलते हैं। एक तरीके से समझिए कि आपका अपना फूड कोर्ट है। अब एक फूड कोर्ट में आप जाते हैं तो स्पेशलाइज क्विजीन आपको मिलता है। बर्गर के लिए एक क्विजीन होगा, पिज्ज़ा के लिए एक क्विजीन होगा, इंडियन के लिए एक क्विजीन होगा। हमने क्या किया, उन सबको सम्मिलित करके एक छत के नीचे आपको मल्टी ब्रांड आउटलेट यहाँ पे हम लेके आए हैं। अब मल्टी ब्रांड आउटलेट का बेनिफिट ये है कि आप किसी भी टाइम पे, किसी भी मूड पे, किसी भी समय पे, किसी भी प्राइस पॉइंट पे आपको कोई ना कोई अच्छा उम्दा खाना मिलेगा। तो यही पर्पल फूड का कि अगर 5 लोगों की फैमिली है जिसमें 8 साल का बच्चा हो या और साथ में 80 साल के दादाजी हों, तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलना चाहिए। सो ये है पर्पल फूड की यूनिकनेस, खासियत। राजीव जी, जब मल्टी की बात आती है तो कहीं ना कहीं पहचान छुप जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल होती है एक छत के नीचे, ऐसे में स्पेशल क्या है? तो वही मैंने आपको बताया कि जैसे यहीं पर अगर आप देखें तो हमारे 5 ब्रांड हैं, 5 क्विजीन नहीं बोल रहा हूँ मैं, 5 ब्रांड बोल रहा हूँ। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आप किसी फूड कोर्ट में जाते हैं, आप बोलते हैं यार मुझे पिज्ज़ा खाना है, तो आपको ऑप्शन क्या मिलता है, पिज्ज़ा हट या डोमिनोज? ये स्पेशलिस्ट ब्रांड है, डोमिनोज भी अपने पिज्ज़ा के लिए जाना जाता है, पिज्ज़ा हट भी। हमारी भी बिरयानी का ब्रांड है, जैसे यहाँ सल्तनत बिरयानी, ये लखनवी और हैदराबादी दोनों तरह की बिरयानी के लिए जाना जाता है। उसी तरीके से हमारा एक ब्रांड है इंडी फीस्ट। अब इंडी फीस्ट क्या है कि इंडियन क्विजीन है, जहाँ पे आप मतलब पोर्शन साइज आपको अच्छा मिलेगा और आप हर तरह के अलग अलग विभिन्न विभिन्न स्टेट्स के का क्विजीन यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। तो आपने मान लीजिए कि एक किसी को पसंद है बिरयानी, दूसरे को पसंद दाल मखनी, तीसरे को पसंद है मान लीजिए चाइनीज़, तो हमारे पास जो चाइनीज़ ब्रांड है, मतलब एक ही काउंटर पर आके आप पर्पल पांडा जो हमारा चाइनीज़ ब्रांड है उसकी स्पेशलिस्ट चाइनीज़ खा सकते हैं, सल्तनत बिरयानी की बिरयानी खा सकते हैं और इंडी फीस के इंडियन क्विजीन खा सकते हैं। सो आइडिया ये है कि कस्टमर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है एक क्विजीन को एक ब्रांड के साथ कि इंडी फीस मतलब यहाँ पे इंडियन तो मिलता ही है, बिरयानी सल्तनत बिरयानी मतलब बिरयानी तो मिलती है, पर्पल पांडा चाइनीज़ से एसोसिएटेड हो गया। तो हम एक मेन्यू के अंदर कन्फ्यूजन नहीं दे रहे, हमने ब्रांड सेग्रीगेट कर लिया ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसान हो। अगर आपको सुबह नाश्ता करना हो तो बिरयानी सल्तनत बिरयानी शायद आप ना खाना चाहें, लेकिन हमारे पास रेड बबल कैफ़े है, यहाँ पे आप अपनी पसंद का आलू पूरी भी खा सकते हैं। बनारसी आलू पूरी ज़रूर खाइए आप, आपको बहुत पसंद आएगा। जो हींग का जो हमने सब उपयोग किया है अब बहुत उम्दा लगेगा। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर आपको इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी मिल सकता है रेड बबल कैफ़े में। सो आइडिया ये है कि आप भाई आप किसी भी समय पे आएँ, आपका मूड कुछ भी कर रहा हो खाने का, हमारे पास वो ब्रांड है जिसके अंदर वो क्विजीन एसोसिएटेड है। जी, कुछ लोग यहाँ से जो इन्होंने अभी खाना टेस्ट किया तो कुछ लोगों ने दाल मखानी की बात करी, कुछ लोगों ने बिरयानी की भी बात करी। जी ऐसे अगर सर टिप्स पे गिने तो कौन कौन से ऐसे? सर अगर आप मेरे से पूछें, हालांकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ,
मुझे लगता है कि हम जिस तरह की दाल मखनी बना रहे हैं, मैंने बहुत जगह नहीं देखा है। मतलब मैं भी काफ़ी घूमा हूँ देश में भी और विदेश में भी, और जो दाल मखनी हम बना पा रहे हैं वो दाल मखनी उसका एक प्रोसेस है। वो तकरीबन 12-14 घंटे कोयले की आँच पे धीरे धीरे पकता है, और वो जो सौंधापन आपको कोयले का मिलेगा उस दाल मखनी में, वो बहुत यूनिक है, जो हमने उस फ्लेवर को कैप्चर कर लिया है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो हमारा बटर चिकन बहुत पॉपुलर डिश है, बटर चिकन। तो अगर आप देखें तो जितनी भी हमारी क्विजीन होती है ये पॉपुलर कैटेगरी क्विजीन में है, ताकि मुझे कस्टमर को क्विजीन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े कि इसमें ये क्या गया, ये यूनिकनेस। मैं यूनिकनेस जो ला रहा हूँ वो बनाने के प्रोसेस में, और सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि हमारा किचन ऑटोमेटेड है, कोई भी खाना आपको 5 से 7 मिनट के अंदर मिल जाएगा। आप ऑफिस में हो, 1 घंटे का लंच है आपके पास, आप 25 मिनट में अपना खाना खाना चाहते हैं, यहाँ पे आपने ऑर्डर किया, आपको उम्दा प्रकार का खाना अलग अलग क्विजीन के हिसाब से मिल जाएगा, और आप आराम से 20-25 मिनट में खा के जा सकते हैं। सो इट्स क्विक, इट्स फास्ट, इट्स अफोर्डेबल एंड इट्स अवेलेबल। दिवाकर जी, आज गोमती नगर में पर्पल फूड इनॉग्रेट हो गया है, आप चीफ गेस्ट हैं, टेस्ट किया आपने, कुछ बताइए यहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत है कि आप एक ही छत के नीचे आपको कई वेराइटी के फूड मिल रहे हैं और स्पेशलिस्ट के साथ मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे किसी वक्त आएंगे, उस माहौल या उस समय के हिसाब से आपको खाना मिलेगा। आपको बर्गर भी मिलेगा, तो बिरयानी भी मिलेगी, तो साउथ इंडियन भी मिलेगा, तो जो कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ खाने के लिए कहाँ जाएँ। आप यहाँ आइए, आपका जो भी खाने का मन है वो मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं पर्पल फूड्स को विश करता हूँ कि दे हैव अ वेरी सक्सेसफुली यहाँ पे अपना आउटलेट को रन करें, और लखनऊ के लोगों को बोलूँगा कि एक बार यहाँ पे ज़रूर आके ट्राई करें, क्योंकि यहाँ का खाना अमेजिंग है, स्पेशली इनकी दाल मखनी जो मैं बार बार सुना, तो मैंने जब टेस्ट भी किया तो काफ़ी अच्छा पाया। तो फूड के बारे में सबसे अच्छा है कि खा के जानिए, तो मैं लखनऊ निवासियों से बोलूँगा एक बार आए यहाँ पे, इसका टेस्ट करें और इन्जॉय करें इनके हॉस्पिटैलिटी को।